नमस्ते दोस्तों, निशा किचन में आसान सी रेसिपी में स्वागत है। दोस्तों, इस तरीका से हमने घुइयां हैं ये उबाल ली हैं, उबाल के हमने रख दी हैं। अब इसे हम छीलेंगे। दोस्तों, इस तरीका से आज हम सूखी घुइयां बनाएंगे। इस तरीका से हम इसे छील लेंगे। इसका जो ऊपर का छिलका है ये हटा देंगे इसका। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है। अब इसका हम जो छिलका हटा देंगे। हमने घुइयां छील ली हैं, इसका छिलका हटा लिया है बिल्कुल। इस तरीका से इसका छिलका लिख रहा है। हमने घुइयां सारी छील ली हैं हाथों से। अब इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल अपना गर्म हो गया है। इसमें जो अजवाइन है वो इसमें डालेंगे। अजवाइन में सूखी घुइयां बनाए तो बहुत अच्छी बनती है दोस्तों। अब अजवाइन अपनी चटक गई है तो जो हमने अदरक लहसुन और प्याज का जो हमने पेस्ट फूट लिया है उसे हमें डाल देंगे। ये हमने बिल्कुल गरगरा फूट लिया है इसे रखते हुए। इसे मिला देंगे मसालों में, इसे भून लेंगे। इसे भून लेंगे दोनों के लिए। इसे भून लेंगे। प्याज हमारा भून गया है। अब इसे प्लेट को हटाएंगे। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। प्याज को 2 मिनट इसे भून लेंगे। लहसुन प्याज का कच्चापन भी चला जाएगा। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। मेथी पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। फिर हम 1.5 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। ये हम सूखी घुइयां बना रहे हैं। अरबी से भी कहते हैं, घुइयां भी कहते हैं दोस्तों। इसे बनाना बहुत आसान है दोस्तों। इस तरीका से सूखी घुइयां बनाए हम बिल्कुल कम से कम मसालों में बनाने की कोशिश करते हैं। सब्जी भी स्वादिष्ट बने और कम से कम मसालों में बनाने की कोशिश करते हैं। इसे भून लेंगे 2 मिनट के लिए। इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे। प्लेट को हटा देंगे। 1 पिंच हींग है इसमें डाल देंगे। इसे मिला देंगे मसाले में। इस तरीका से घुइयां की सब्जी बना सकते हैं। बनाना आसान है दोस्तों। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिया है। नमक को मिला लेंगे। नमक को हिसाब से डालेंगे अभी सब्जी देख के कि इसमें सूखी सब्जी बनती है। और इसमें घुइयां डाल देंगे। मसालों में इसे हम मिला देंगे। इसे मसालों में हम मिला देंगे। घुइयां हमने 2 मिनट के लिए अरबी ढक दी थी। इसे हटा लेंगे इसकी प्लेट। देखो सब्जी में अपना तेल छोड़ दिया। सूखी घुइयां इस तरीका से बनाए। बनाना बहुत आसान है, मसालेदार। अब इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। इस तरीका से घुइयां की सब्जी बनाएं। घुइयां की सब्जी बनाना बहुत आसान है दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखो कितनी अच्छी घुइयां की सब्जी बनी है। जिस टाइम पूड़ी के साथ खा सकते हो, तो पराठे के साथ, चाहे रोटी के साथ, ये सभी के साथ अच्छी लगेगी बिल्कुल। इस तरीका से घुइयां बनाएं, खाएं, बहुत अच्छी लगती है खाकर। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।